शहर के इतिहास में सबसे ऊंचा 75 फीट का ध्वज का ध्वजारोहण हमारे शहर के लोकप्रिय यशस्वी प्रभारी मंत्री को कोई एक ऐसा काम करना चाहिए अमृत महोत्सव में जो हमेशा हमेशा के लिए यादगार रहे। मैं बधाई देता हूं रोटरी क्लब खरगोन को, इसके अध्यक्ष भाई नितिन मालवीय जी, भाई तालिनी जी और पूरी टीम अमृत महोत्सव में और हमारे स्वाभिमानी पुरुषार्थी चरित्रवान और देशभक्त और दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गणतंत्र दिवस की सबको शुभकामना देता हूं और आजादी का 75वां वर्ष अमृत महोत्सव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि इस देश को आत्मनिर्भर बनाना है और सबके अंदर देशभक्ति का ज्वार जगे। स्वाभिमानी पुरुषार्थी चरित्रवान और देशभक्त इन चार गुणों से ओतप्रोत इस देश के नागरिक होंगे तो भारत आत्मनिर्भर बनेगा, विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचेगा। इसलिए आज खरगोन में 75 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा आज गणतंत्र दिवस पर फहराया अमृत महोत्सव में रोटरी क्लब खरगोन को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनके अध्यक्ष नितिन जी, बहन शालिनी जी को और पूरी टीम को और पूरे खरगोन वासियों को कि बहुत ही अच्छा देशभक्ति का ज्वार जगाने के लिए, क्योंकि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। आज़ादी के पहले देश के लिए मरने की आवश्यकता थी तो देश के लिए हमारे अमर शहीदों ने कुर्बानियाँ दी, लेकिन आज़ादी के बाद देश के लिए जीने की आवश्यकता है और ये तिरंगा हमें देश के लिए जीना सिखाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत के 130 करोड़ लोग जिस दिन देश के लिए जीना सीख जाएंगे अपने और अपने परिवार के साथ, समाज और राष्ट्र के लिए, उस दिन ये देश आत्मनिर्भर बनेगा और भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचेगा। आज़ादी का 75वां महोत्सव मनाया जा रहा है, देखिए आज खुद कमल प्रधानमंत्री जो प्रभारी मंत्री वो खुद भी मौजूद रहे, एक अलग ही माहौल था। खरगोन सिटी क्लब की हम बात कर रहे हैं तो रोटी क्लब है, एक नई पहचान दे रहा है खरगोन। आज 75 फीट का झंडा भी लगाया है 2009 हुआ, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? यही कहना चाहेंगे कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि प्रशासनिक कर्मचारी उनके कार्यालय में जाके झंडा वंदन करते हैं, स्कूल वाले स्कूलों में जाके देखते हैं, लेकिन शहर में ऐसा कोई भी स्थल नहीं था जहाँ पे विभिन्न व्यापारी संगठन, सामाजिक संगठन जाके देशभक्ति के लिए अपनी खुशी मना सके, झंडा वंदन कर सके। इसलिए रोटरी क्लब ऑफ खरगोन सिटी ने इस गार्डन में झंडा रोहण किया है 75 फीट हाइट पे, क्योंकि अपना अमृत महोत्सव चल रहा है स्वतंत्रता दिवस का, और ये झंडा पूरे खरगोन जिले का अपना खुद का झंडा रहेगा। यहाँ पे किसी भी सरकारी कर्मचारी संगठन सब आके अपने हर वर्ष हर 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों दिनों पे यहाँ पे हम वर्ष दर वर्ष ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम करते जाएंगे, झंडा वंदन करते जाएंगे, और ये एक खरगोन के लिए गौरव की बात है कि आज हमारे खरगोन शहर में भी आसपास के 4 जिलों में इतना ऊंचा कोई ध्वज नहीं है, और यही हमारी भावना थी कि खरगोन के लिए गौरव की बात बने, इसलिए हमने 75 फीट ऊंचा। आज हम इस सौभाग्य को जी पा रहे हैं
साथ ही अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए ये आधार स्तंभ के रूप में बना है। और हमारे नगर पालिका खरगोन भी बधा चुके हैं, उनका भी इसके बीच पहुंचे हैं। और हम बहुत बार बार ये महसूस कर रहे हैं कि आपकी उपस्थिति में ये ध्वज खरगोन में लगा रहा है और ये खरगोन जिले का सबसे विशाल तिरंगा है। हमें यह बताते हुए हो रहा है, खरगोन वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।